ग्राम पंचायत चुनाव में जबलपुर शहर जबलपुर जनपद विधानसभा पनानगर के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत सिलवा पडरिया में लोगों में आक्रोश देखने को मिला। आपको बता दें, लोगों का कहना था कि हमारी ग्राम पंचायत के कम से कम 34 लोगों के नाम बरगी विधानसभा के सिलवा सुकरी क्षेत्र में चले गए हैं। यहाँ के लोग मतदान करने से वंचित रह रहे हैं। वहीं जब BLO एवं ग्राम सचिव से हमने संपर्क किया तो उनका कहना था कि हमें प्रथम प्रकाशन में लोगों को जानकारी दी थी कि अपना नाम चेक करें, ग्रामीण नहीं आया। ग्रामीण क्षेत्र में मजदूर वर्ग ये समझ रहे थे कि उनका नाम लिस्ट में होगा, मगर आज 34 नाम गायब हैं लिस्ट से, और यह प्रशासनिक तौर पर बहुत बड़ी ही त्रुटि है जो सामने उजागर हुई है। ये कहना है क्षेत्रीय जनों का। इसकी भरपाई कौन करेगा, जबकि ग्राम पंचायतों में एक वोट में फैसला हो जाता है, यहाँ सवालों का जिम्मेदार कौन है? देखिए, हम खड़े हैं सिलुआ पड़रिया ग्राम पंचायत लगती है, यह ग्राम पड़रिया का स्कूल। यहाँ पे मतदाता अपना मत का अधिकार मताधिकार का प्रयोग करने आए हैं, मगर उनके लिए क्या व्यवस्थाएं हैं, आप यहीं के लोगों से, मैं यहीं के लोगों से पूछता हूँ क्या व्यवस्थाएं हैं, ये बताएंगे भाई साहब यहाँ पे क्या क्या व्यवस्थाएं हैं? क्या यहाँ कोई भी व्यवस्था नहीं है? जो भी आ रहे हैं, खड़े हैं, सियाने हैं, उनको हम लोग खुद अपने घर से बैठा रहे, खड़े करें, ना पानी की व्यवस्था है, अंदर वोट डालने जा रहे तो इंक पैड नहीं है, खड़े हैं सियाने लोग। ये सब व्यवस्था प्रशासन को पहले से पूरी सुचारू रूप से करके रखना चाहिए, जो व्यवस्था है नहीं यहाँ, मतलब प्रशासनिक व्यवस्था यहाँ कमजोर, आपको कमजोर है, ना पंखे हैं ना कुछ है। कौन सी ग्राम पंचायत है ये? सुलुआ पड़रिया ग्राम पंचायत, पनागर ग्राम पंचायत। क्या नाम है आपका और किस पंचायत में रहते हैं? मैं सिलुआ पड़रिया पंचायत से हूँ और मेरा नाम गणेश बैन है, और मेरी वोटर लिस्ट इस बार सुकरी सिलुआ में चली गई है, कम से कम 30 से 35 किलोमीटर दूर, और क्या मैं वोट नहीं डाल सकता हूँ? यहाँ आप गए अगर निर्वाचन अधिकारी के पास, तो उन्होंने क्या बोला कि आपकी वोट यहाँ नहीं है? यहाँ नहीं है, वही सिलुआ सुकरी में चली गई है, और मेरी बात नहीं, 30 से 35 लोग की वोट वहाँ चली गई है आपकी पंचायत में। हाँ, तो इसकी मैं किसकी गलती मानेंगे आप? और जी, हमारी गलती तो है नहीं, हम तो प्रशासनिक तौर पर गलती मानी। हाँ, प्रशासन के तौर पर गलती मानी जाएगी। किस पोस्ट पे यहाँ पे? सर, मैं रचना यादव, मैं यहाँ स्व सहायता समूह लक्ष्मी नारायण की सचिव हूँ, ग्राम सिलुआ पड़रिया जी। मैडम, जो आज खाना बन रहा है जी, आज जैसे चुनाव हो रहा है जी, खाना बन रहा है, तो इसमें आपको किसने आदेशित किया कि खाना बनाइए? सर, मेरे को ये सचिव द्वारा आदेश मिला गया जी, के मतलब अधिकारियों का मध्याह्न भोजन यहाँ से बनाएगा। मध्याह्न भोजन जी, क्या क्या बन रहा है इसमें? सर, रायता है, छोले की सब्जी है, दाल है, पुलाव है, पूड़ी है जी। तो इसका कोई शुल्क वगैरह निर्धारित हुआ होगा? सर, उन लोगों ने राशि दिया है। राशि आप लोग को मिली? नहीं सर, अभी मिलेगी, अभी मिली नहीं है। मतलब क्या प्रति थाली क्या आपको रेट मिलेगा? सर, 150 रुपये। 150 रुपये जी जी। क्या नाम आपका? रचना यादव सर। कहाँ रहते सर? सिलुआ पढ़ रहे हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ग्राम सिलुआ से हैं, और BLO भी हैं। BLO मैडम, कुछ यहाँ पे 25 से 30 मतदाता हैं जी, जिनका नाम 34 नाम है जो सिलुआ सुकरी में चले गए हैं। नहीं तो मैडम, ये गलतियाँ किसको मानी जाएंगी? गलती मेरी भी नहीं है और ना पंचायत वालों की, वो तो वहाँ से जहाँ से ये लिस्ट आई वहाँ से गलती हुई है, मतलब गलती किसी की नहीं। यहाँ से जो बना के दिया गया, हाँ, वो कुछ दिया गया 33 से 35 नाम। हाँ, 33 नाम सिलुआ सुकरी में चले गए, सिलुआ सुकरी में गए। मैडम, अगर ये यहाँ से 33-35 मतदाता हैं जो चले गए हैं, तो एक वोट में निर्णय होता है जी, इस बारे में क्या कहना है? ये तो गलत हुआ है ना, ये जो वहाँ के हैं मतदाता, इन्हीं का नाम यहाँ होना चाहिए, लेकिन ये गलत हुआ, वहाँ गए हैं प्रशासनिक तौर पर। हाँ, ये गलत है। क्या नाम आपका? सुनीता केवट। देखिए, हम अभी, मैंने जैसे आपको बताया, सिलुआ पड़रिया ग्राम पंचायत की ग्राम पड़रिया में खड़े हैं। अभी आप एक व्यक्ति से अपन ने पूछा कि भाई यहाँ क्या व्यवस्थाएँ, तो उन्होंने यहाँ की जो दुर्दशा है, ग्राम पंचायत का चुनाव हो रहा है उसके बावजूद यहाँ पे अगर प्रशासनिक व्यवस्थाएं नहीं हैं तो इसमें दोष किसका? कलेक्टर महोदय का दोष है, कलेक्टर महोदय को सोचना चाहिए कि क्या व्यवस्था होना चाहिए। हम आप एक नवयुवक हैं, उनसे पूछते हैं भाई साहब ये क्या यहाँ क्या? सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, पहले तो आंगनबाड़ी और ग्राम सचिव और जो सह सचिव हैं इनकी बहुत बड़ी गलती है। इन्होंने यहाँ के 34 वोट यहाँ की सुकरी सिलुआ बरगी में जो सिलुआ पड़ता है वहाँ गए, मतलब जो यहाँ पे होने से मतदाता 34 वोट यहाँ कम रही हैं, 34-35 वोट यहाँ कम रही हैं, वो कहीं सुकरी सिलुआ। सिर्फ गलती इनकी ये है कि विकास खंड आपने भरा होगा, तहसील भरी होगी, तो ऐसा तो नहीं है किसी एक ही सिलुआ है,
सिलवा दो है लेकिन अलग अलग है, विकासखंड भी अलग अलग रहा है, तहसील भी अलग रहेगी, लेकिन वो पूरी बोर्ड गई वहाँ पे। इसका हरियाणा आज हमारे जो प्रत्याशी लड़ रहे हैं उनको भोगना पड़ रहा है, क्योंकि बोर्ड पूरी एक जगह जा रही थी, सिलवा का प्रत्याशी जो करण। और दूसरी चीज़ ये, यहाँ पे किसी चीज़ की व्यवस्था नहीं है। अगर कोई प्रत्याशी ऐसा अपना वोटर आ रहा है, कार्यकर्ता आ रहे हैं जो वोट डालने के लिए, जैसे अपंग है, अपाहिज है, या उनकी उम्र ज़्यादा है, एजेंट बीमार है, तो यहाँ कुर्सी भी नहीं है, ना चेयर है, ना पानी की व्यवस्था है, ना लाइट है, पंखे हैं। अधिकारी भी जो अंदर हैं वो भी नहीं समझा रहे हैं कि अपन जो वोट डाल रहे हैं, अगर अपन पर्ची ऐसा मोड़ के रख रहे हैं तो पर्ची की जो इंक वो जा रही है वो दूसरे उसमें भी जा रही है, वो रिजेक्ट हो जाएगा, अभी वो बैलेट पेपर जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। और उसमें इनको कोई सुझाव नहीं दे रहे हैं अधिकारी भी। और अभी इसके पहले जो सह सचिव यहाँ पे लगे रहे वो अंदर जाके थोड़ा बहुत अपना प्रचार भी किए, उनका भी प्रत्याशी लड़ रहा है, ये गुप्त उन रखे हैं प्रत्याशी, उनका भी लड़ रहा है, और अंदर जाकर उनने प्रचार भी किया है। और जब इसका विरोध किया, बताया सरपंच आया तो उनसे उनने बहसबाजी की, उस समय कोई पत्रकार आए थे हमें पता नहीं है, उसके बाद वो निकल गए। और यहाँ पे कोई देख रेख नहीं है, पंचायत मतलब ऊपरी चलती है, यहाँ पे सरपंच सचिव कोई कुछ नहीं है, यहाँ पे कुल मिला के धांधली मची हुई सिर्फ। और एक मुद्दा और ये भी है, तालाब का बोलना नहीं चाहिए, तालाब का मुद्दा है। आप तालाब खुदा हुआ था सिलू हम वहाँ पे, इन्हें तालाब वहाँ किया स्वीकृत, मनरेगा काम चलता है, मनरेगा लेबर नहीं कर रही, सीधे मशीन से खुदाई हो रही, मुरम बेच रही है, मुरम सीधी बेची जा रही है इसका कोई। और जो मनरेगा लेबर लगानी थी ना, लेबर वो लेबर है ही नहीं है, सीधे मशीनों द्वारा काम हो रहा है, और मनरेगा का पैसा निकाल के इनके अकाउंट में जा रहा है। सर मैं रूप राम सेन, ग्राम पंचायत सचिव सिलूगा पढ़ रही है। सर यहाँ जो खाना बन रहा है जी, आपके आदेश से बन रहा है? हाँ। तो ये किन के लिए खाना बन रहा है? जो निर्वाचन दल आया हुआ है जी, उनके लिए बन रहा है। इसमें कुछ निर्धारित होगा शुल्क, इनको फ्री में खिला रहे हैं? इनका शुल्क प्रतिदिन के आधार पे, मतलब ये 150 रुपये प्रतिदिन के आधार पर निर्धारित, प्रति व्यक्ति का, दो टाइम का कि एक टाइम का? एक टाइम का, प्रतिदिन का, प्रतिदिन मतलब 150 रुपये। मतलब अनिवार्य शासन द्वारा आदेश, शासन द्वारा निर्धारित है, लेकिन अपने यहाँ जबलपुर ज़िले में आदेश नहीं हुआ है ऐसा, और अन्य ज़िलों में आदेश डला हुआ है। आप चला रहे हैं? ऐसी ग्राम पंचायत है सिलुआ पररिया, जहाँ पर ये पररिया ग्राम है, और यहाँ पे प्रशासन द्वारा कोई व्यवस्थाएं नहीं की गई हैं। यहाँ जो मतदाता आ रहे हैं उनको पानी पीने की व्यवस्था नहीं है, खड़े होने की व्यवस्था नहीं है, कोई टेंट नहीं लगवाया गया है, एक छोटा सा टेंट लगवा दिया गया है। ये सबसे बड़ी बात है, यहाँ इंक पैड जिससे पर्ची में सील लगाना पड़ती है, इंक पैड ख़त्म हो गए हैं। इंक पैड तक की शासन द्वारा व्यवस्थाएँ नहीं की गई हैं, जबकि यहाँ प्रशासनिक व्यवस्था पूर्ण रूप से होना चाहिए, मगर प्रशासन का यह रवैया बहुत ही खेदपूर्ण है और बहुत ही ख़राब है। जबलपुर से मुकेश सोनी के साथ सुधीर।